एक बहुत ही बोल्ड और इनोवेटिव स्टेप है ब्लैक मनी को बाहर निकालने का. हमने कभी सोचा नहीं था कि इस ढंग से भी कुछ इस किस्म का काम किया जा सकता है. और थोड़ी सी इनकन्वीनियंसेस आ रही हैं लोगों को जो नजर आ रही हैं, पर आई थिंक लोगों को ये समझना चाहिए कि थोड़ी इनकन्वीनियंस होगी मगर उसका अंत में फायदा हम सबको भी होगा. ये 500 और 1000 रुपए के नोट डीमोनेटाइज करने से यानी कैंसिल करने से मैं मानता हूं बहुत लोगों को तकलीफ हुई होगी, लेकिन मैं ये भी जानता हूं क्योंकि मैं जिन लोगों से मिला हूं, छोटे बड़े जितने भी लोग मिले हैं, उनके दिल में एक खुशी ये है, ये गुस्सा ये है. आज थोड़ी तकलीफ हमें हो रही है लेकिन हमारे आने वाले बच्चों का भविष्य हमें अच्छा दिखाई दे रहा है, उज्जवल दिखाई दे रहा है. ये वाकई में बहुत ही हिस्टोरिक स्टेप है. इसकी मुझे लगता है कि हमारे देश को बहुत जरूरत थी. और यू रियली नीड गट्स टू टेक अ स्टेप लाइक दिस, बिकॉज ऐसा स्टेप लेने से पहले हर आदमी हर गवर्नमेंट चार बार सोचती है क्या करें क्या नहीं करें. बट हैट्स ऑफ, और इसका लॉन्ग रन में बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है. एज अ प्राउड इंडियन सिटीजन मैं यही कहना चाहूंगा कि हम एक दूसरे को का हाथ पकड़े इस टाइम पर, यू नो, एक दूसरे को सपोर्ट करें, हमारे सरकार की डिसीजन को सपोर्ट करें. एंड होपफुली दिस विल रियली रियली वर्क आउट फॉर अ वंडरफुल इंडिया, एन इंडिया विच डिजर्व्स टू ग्रो इकोनॉमिकली. एकाएक 500 रुपए और 1000 रुपए के नोट उन्होंने मार्केट में से उठा के फेंक दिया बाहर. ये मुहिम मेरे ख्याल से बहुत अच्छी है. उन्होंने जो एक प्रॉमिस किया था कि ब्लैक मनी में खत्म कर दूंगा, तो ब्लैक मनी खत्म करने के लिए इससे सिवाय दूसरा कोई उपाय मुझे तो नहीं लगता क्या है. अदरवाइज ये पैसा बाहर निकलना बहुत मुश्किल का था. मैं समझती हूँ बहुत ही बढ़िया मूव है क्योंकि इस तरीके से जो जितने पैसे लोगों ने छुपा रखे थे, जो एक्चुअली हमारे देश की सुधार की तरफ जाने चाहिए थे जो टैक्सेस के हिसाब से, आई थिंक वो आज सब बाहर निकलेगा. एंड हाँ, थोड़ी तकलीफ तो जरूर होगी 3-4 दिन की, लेकिन अगर हमारे देश के सुधार की तरफ ये बात जा रही है तो ये बहुत ही जरूरी है. इट्स अ हिस्टोरिकल मूव, इसके जैसा आज तक कुछ अभी देश में तो हुआ नहीं है. इनिशियल इनकन्वीनियंस तो है, उससे सरकार ने आगाह भी किया था कि इनिशियल इनकन्वीनियंस होगा. इट्स इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट द प्राइम मिनिस्टर हैज टेकन अ डिसीजन व्हिच इज इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑल. वी डू अवे विद टेररिज्म, वी डू अवे विद फेक करेंसी एंड द ड्रग माफिया. एज इंडियंस वी मे बी इनकन्वीनियंस बट लुक एट द लॉन्ग टर्म सोल्यूशन व्हिच इज ऑल इंक्लूसिव फॉर एवरी इंडियन, बिग स्मॉल और मीडियम. एक डिसीजन लिया हुआ है सरकार ने, लिया एक डिसीजन जो फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है. इससे बड़ा और बेहतरीन फैसला हो नहीं सकता. परेशानी 2-4 दिन की है और हम खाली बैंक की लाइन में तो खड़े हैं यार, कोई गोली थोड़ी आ रही है हमारे, नोट के बदले नोट ले रहे हैं. थोड़ा सा सब्र कर रहे थे, पानी पी लो, चाय पी लो, कुछ कर लो, तो बेचारे वहाँ पे खड़े हैं, गोलियाँ खा रहे हैं. तो कोई परेशानी वाली बात नहीं, और ये परेशानी 4-5 दिन की है. उसके बाद कितना फ़ायदा होने वाला है हमारी कंट्री को, इवन यूथ को, इवन ढेर सारे रोजगार आने वाले हैं, ढेर सारे अपॉर्चुनिटी आने वाली है, हमें उसका सोचना चाहिए. मैं सभी लोगों से ये अपील करूंगा कि थोड़ा धीरज से काम लें. कोई भी सिस्टम जब बदला जाता है तो तकलीफ आती ही है, लेकिन ये तकलीफ आगे हमारे लिए काफ़ी फलदायी होगी. तो अभी आप लोग जो एकदम से ऐसा ना सोचें कि आपका पैसा हाथ से गया और फटाफट निकाल लो या फटाफट जमा कर दो. सरकार ने समय दिया है, दिक्कत नहीं है,